एनएस न्यूज लाइव खबरों की शुरुआत करें। इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, पेंटर ने की आत्महत्या। 24 घंटे में यवतमाल में 3 पॉजिटिव, 2 मरीज कोरोना मुक्त। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। यवतमाल जिले के पुसद तिगरस बाईपास पर 17 जुलाई की दोपहर करीब 12 बजे दो पहिया और 4 पहिया वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई और एक ने पीछे से टक्कर मारी, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में दिगरस तहसील के देवनगर के 2 युवक शामिल है। मृतक निवासी देवनगर के पवन गावंडे व रवि पुंडे सस्ते भोजन की दुकान से राशन लेकर अपने गांव देवनगर जा रहे थे। इस दौरान एसटी बस परभनी चंद्रपुर परभनी डिपो के रापनी वाहन को पीछे से एक दोपहिया वाहन ने टक्कर मार दी और सामने आ रहे दोपहिया वाहन की बस को आमने सामने टक्कर मार दी। एसटी वाहन के पिछले हिस्से में टक्कर मारने वाले दोपहिया वाहन के दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। आगे की जांच के लिए शव को दिगरस ग्रामीण अस्पताल में भेज दिया गया है। मामले की जांच दिगरस पुलिस द्वारा की जा रही है। दूसरी खबर, तहसील के हसूर के एक व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घटना गुरुवार 15 जुलाई को 5:30 पर हुई। मृतक की पहचान गजानन मानिक ठाकरे के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक मृतक गजानन ठाकरे घरों में पेंटिंग कर अपना गुजारा कर रहा था। उन्होंने गुरुवार को हरसूल गांधीनगर फाटे के पास जहर गटका, ग्रामीण अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। दिगरस पुलिस ने पंचनामा किया, ग्रामीण अस्पताल में पोस्टमार्टम किया। उनके परिवार में पत्नी और 2 बेटियां हैं। तीसरी खबर, विगत 24 घंटे में यवतमाल जिले में 3 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, तो 2 लोग कोरोना मुक्त होने से उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया। जिला परिषद स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कुल 1,117 लोगों की रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें से 3 नए पॉजिटिव मरीज, तो 1,114 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव मिली है। वर्तमान में जिले में 21 मरीज एक्टिव पॉजिटिव हैं। अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 72,782, तो स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 70,975 हो गई है। जिले में कोरोना से अब तक कुल 1,786 बाधितों की मौत हो गई है। पॉजिटिव मरीजों में दिगरस, महागांव व वनी के प्रत्येक एक एक मरीज का समावेश है। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।